मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ये शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ मेरे साथ ये था कल रात का कि मैं कर रही थी, मतलब एडिटिंग कर रही थी। काइन मास्टर में मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मैं एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करने के बाद मैंने सारी एडिटिंग वगैरह कर लिया, और एडिटिंग करने के बाद जब मैं उसे एक्सप्लोर कर रही थी तो वो अनसपोर्टेड बता रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, नॉट सपोर्टेड ऐसा कुछ तो बता रहा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, तब मैं आपको शेयर कर रही था। तो वो ना अनसपोर्टेड बता रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन आ रही थी। मैं एक तो ना मुझे एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी कर लूँ, बट वो मुझे 3, 3:30, 2 ऐसा कुछ हो ही जाता है टाइमिंग। मैं कितना भी कोशिश करूँ जल्दी करने की, और वो मुझे इसलिए होता है क्योंकि कैसे रात में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, तो सब सोने के बाद सब वहाँ थोड़ा साइलेंट हो जाता है, तो साइलेंट होने के बाद ही मैं अपना वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। तो हुआ ये था कि मैंने एक्सप्लोर करने डाला, पर वो हुआ ही नहीं। मुझे बहुत टेंशन आ गई थी, मुझे रोना भी आ रहा था, मैं क्या करूँ सोच रही थी। पर मैं सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो सलूशन होगा ही। तो फिर मैंने यूट्यूब ऑन किया, और यूट्यूब ऑन करने के बाद उसमें सर्च किया ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो फिर उसको पता चला कि यार मैंने जो मतलब एडिटिंग किया था उसमें थोड़ी फाइल ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मेरा थोड़ा तो मुझे रिलीफ हुआ, लेकिन मुझे ये लगा कि यार मैंने इतना सारा भी एडिटिंग कर लिया तो अब मैं इसका क्या करूँ। तो फिर मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ा, रिफ्रेश करने के बाद फिर से मुझे वो एडिटिंग करना पड़ा नॉर्मल तरीके से। तो ये सब कुछ कल मेरे साथ हुआ था, तो मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिर बाद में मोटिवेट भी हो जाती, खुद से मोटिवेट भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार इसका कुछ ना कुछ तो सलूशन होगा, तो वही मैं बता रही थी कि मतलब हर चीज़ का सलूशन होता है, बट उसे खोजना पड़ता है कि कैसे इसका सलूशन निकाला जाए। तो बस यही था। फिर आगे इसमें चीज भी एक चीज़ बोलना था कि मैं जब अपना वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो वो ना पता नहीं बहुत टाइम लेता है अपलोड होने के लिए। अगर मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँगी तो कभी कभी इवनिंग हो जाता है, कभी कभी नाइट भी हो जाता है, तो वीडियो अपलोड ही नहीं होती है, मतलब बहुत लेट होती है। तो अभी मुझे ऐसा करना पड़ता है कि रात भर मुझे अपलोड करने के लिए डालना पड़ता है। जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ तो रात भर मैं अपलोड के लिए रख देती हूँ, वो मॉर्निंग में फिर हो जाती है। तो अभी मैं ऐसा कर रही हूँ, बट मुझे कमेंट से बताना आप लोग भी कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। अगर नहीं होता है तो इसका क्या रीज़न है, ये भी मुझे शेयर करना। क्या प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है या कुछ और, या फिर पता नहीं क्या, तो आप मुझे शेयर करिएगा। सो गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करती हूँ। ये तो मेरा था बताने का थोड़ा सा, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। ब्लॉग में आज का ऐसा कुछ नहीं है खास, बस सोचा कि मैं आप लोग से कुछ शेयर कर लूँ, थोड़ा सा बातें जो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वही सब चीज़ बताने का था। और आज मैं क्या क्या करूँगी वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। एंड हाँ गाइस, मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं अभी बनाने वाली हूँ नाश्ते में ढोकला। तो ढोकले का मैं कैसे करती हूँ कि मतलब मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं जब रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग में कैसे मैं ना पूरा रेसिपी का मतलब नहीं डालती, पूरा वीडियो नहीं डालती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसीलिए तो मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि उसमें डिटेलिंग के साथ आपको सब कुछ पता चले। तो मुझे इसका भी कमेंट्स में बताना कि आपको मैं मतलब ब्लॉग के साथ ही वीडियो शेयर करके जाऊँ रेसिपी का, या फिर जो मैं अलग से शेयर करती हूँ वो बेटर है। तो वही चीज़ मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता रहे, क्योंकि मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं रेसिपी का बोलती तो हूँ लेकिन मैं इसमें नहीं दिखाती हूँ, देन फिर मैं अलग से उसको अपलोड करती हूँ। तो उसका मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं अभी बनाने जा रही हूँ ढोकला। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पर ढोकले का वैसे वो ज़्यादा कुछ जैसे मैंने बोला, अभी मैं भी शॉर्ट वीडियो ही आपको बताऊँगी, देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड कर दूँगी सारी रेसिपी के साथ में। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में, और आज मैं क्या क्या करती हूँ फिर वो सब आपको बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। एकदम सॉफ्ट बना था और बहुत टेस्टी बना हुआ था ढोकला, आपने भी देखा होगा वो सब कुछ, और खाने में बहुत टेस्टी था, वो बहुत बहुत टेस्टी बना था, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था बच्चों में। तो ऐसा था मेरा ये आज मॉर्निंग स्टार्ट। अब मैं बताने वाली हूँ आपको आगे, तो मैं आप खुद ही देखिएगा कि मैं क्या क्या बताने वाली हूँ अभी आपको। आज मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली, बट नॉर्मल सा ही मैं बताने वाली हूँ फेस क्लीनअप का और हेयर के बारे में बताने वाली हूँ। तो
मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ पहले अपना, काम करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फिर आपको देखिएगा कि मैं कैसे अपना फेस क्लीन करती हूँ होममेड स्टाइल में। तो आइएगा आप मेरे साथ में, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं अपने बालों में लगाने जा रही हूँ तेल। तेल अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे अपने बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल अपने ठीक होते हैं। तो और मैं ये जब यूज़ करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, जब मैं जॉब में जाती हूँ तो रात में लगा लेती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग में वॉश कर लूँ। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आधा घंटा पहले मैं लगा रही हूँ, तो आधे घंटे के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी अपने सारे काम करने के बाद। गुनगुने ऑयल में लेमन डाल के यूज़ करने से अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होती है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सादा लगा रही हूँ तेल, जो मैं पैराशूट एलोवेरा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए अभी मैं किस तरीके से अपने बालों की मसाज कर रही हूँ। तो ऐसे मैं ऑयल को जड़ में लगाती हूँ और अपने बालों की मसाज करती हूँ। बालों पे तेल, अब हम चलते हैं स्क्रब करने। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, सो फ्रेंड्स, मैं आगे वापस से अपने आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना क्लीनअप और स्क्रब एक ही चीज़ से कैसे करती हूँ। तो आप लोग देखिएगा, मैंने अभी जो लेकर आया है वो है, मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है और वही 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। तो इसका मैं करने वाली हूँ क्लीनअप और सिर्फ इसमें ही करने वाली हूँ मैं स्क्रब। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो जो पेस्ट रेडी किया हमने, वो पेस्ट को मैंने अपने फेस पे फैला लिया। फैलाने के बाद इसमें हल्के हाथों से मसाज कर रही थी और अब मसाज करने बाद इसे मैंने 2 मिनट के लिए सूखने दिया। देन फिर गीले हाथ करके मैं वापस से अपने फेस को मसाज कर रही हूँ। मसाज करने का यही होगा कि ये जो अपने स्किन जो पूरा है ना, वो क्लीन हो जाती है और क्लीनअप भी हो जाता है इससे और स्क्रब भी हो जाता है। तो ये देखो मैं किस तरीके से अपने हल्के हाथों से रगड़ रही हूँ। अब ये पूरा क्लीन हो चुका है थोड़ा सा, तो मैं वो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और फटाफट से क्लीन भी हो जाता है, स्क्रब भी हो जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मैं गीली हो चुकी हूँ, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, मैं नहा के आपको फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं वापस से और जैसा कि मैंने बोला, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, मतलब नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद मेरे थोड़े काम थे तो वो मैंने कर लिया। काम करने के बाद में मैंने लंच भी कर लिया, भूख लग गई थी मुझे। तो मैंने आपको बताया कि मैंने लंच में क्या खाया है। सो ऐसा था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून का दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने बताया था आपको कि मैंने वॉश के आधा घंटा पहले ऑयल लगाया था। तो देखिए अभी मेरे हेयर किस तरीके से हो गए, शाइनी शाइनी लुक दे रहा है। और ऐसा मैं हमेशा करती हूँ, मतलब मैं वॉश करने के पहले या फिर जब मुझे टाइम अगर मिलता है तो मैं रात को ही ऑयल लगा लेती हूँ और मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। जब मुझे जॉब में जाना रहता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं नाइट में ऑयल लगा लेती हूँ एंड मॉर्निंग में मैं वॉश कर लेती हूँ। सो देखिए, और मैं लंच में जो बता रही थी कि मैं लंच में ना रोटी, मतलब मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, बहुत क्या, बहुत ही कम खाती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मैं जो टिफिन लेकर जाती हूँ बस उसमें जो रोटी खा लिया मैंने सो खा लिया, अदरवाइज़ मैं रोटी बहुत इग्नोर करती हूँ। मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है खाना, मुझे चावल कितना भी दे दो तो मैं खा लूँगी, ऐसा है मेरा। तो मैंने आपको आज मैंने जो आपसे शेयर किया है वो हेयर का शेयर किया था और स्किन का शेयर किया था, मतलब मैंने जो स्क्रब किया था और क्लिनजिंग किया था वो शेयर किया था। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो ऑयल अपन करते हैं, अगर अपने सर पे अगर डैंड्रफ हो, मतलब बालों पे अगर डैंड्रफ हो, तो जो ऑयल मेरे इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने सादा ऑयल ही लगाया था, मतलब ऑयल नॉर्मल ऑयल ही लगाया था, बट ऐसा कुछ रहा। तो आप लोग भी मतलब वो जो ऑयल है ना, वो ऑयल को हल्का सा कुनकुना करके उसमें लेमन नींबू यूज़ करके भी उसे बालों पे लगा सकते हैं। देन उसे लगा के थोड़ा देर रखने के बाद फिर वॉश कर सकते हैं, तो उसका डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम रहता है वो कम हो जाता है। तो ऐसा था, और स्किन का भी मैंने जो बताया था कि मैंने बेसन और दही का जो लगाया था, तो बेसन और दही का भी आप ऐसे कर सकते हो अगर
अगर आपको यूज़ करना हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना उसको कि कैसा उसका रिजल्ट आता है। वैसे तो मैं हमेशा ही करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं मार्का स्क्रब, वैसे तो करती हूँ बट बहुत कम करती हूँ, बट नहीं के बराबर, मतलब अगर नहीं रहा तो फटाक से घर का है तो अपन कर लो, ऐसा वाला है। बहुत 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 गर्म हो रहा है क्योंकि बहुत धूप है अभी, और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मैं नीचे ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि टीवी वगैरह शूट करता है तो आवाज़ उतनी नहीं होती है, तो मैं ऊपर आके बात करती हूँ। तो मुझे सच में वॉइस बहुत बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा था मेरा आज का दिन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं सोच रही थी कि अपना व्लॉग मैं यहीं स्टॉप करूं क्योंकि इससे ज़्यादा तो अभी है कुछ है नहीं करने का, बट अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मेरी वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का दिन मेरा अच्छा लगा होगा, मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो अच्छा लगा होगा, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो ढोकला बनाया था आज उसका वीडियो और ये ब्लॉग जो मैं शेयर करूँगी तो एक साथ शेयर हो जाए ताकि आपको फिर देखने में इजी रहे, नहीं तो मुझसे थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसके पहले भी जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे उसमें मैंने कुकिंग का बताया था, तो उसकी वीडियो मैंने कुछ तक अभी तक अपलोड नहीं की है, तो मैं सोच रही हूँ उसको जल्दी जल्दी क्लियर कर लूँ। तो सेम आज मैं यही बोलूँगी कि मैं जो ये व्लॉग बनाया है, व्लॉग के साथ मैंने जो अभी ढोकले की रेसिपी बताई थी, तो वो जल्दी से मैं मतलब एक साथ ही उसे डाउनलोड कर लूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। तो यहीं तक का था, आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं और क्या वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ और क्या शेयर करूँ आप लोग के साथ में, ताकि आप लोग को भी इंटरेस्ट आए देखने के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम, और ऐसे ही अपना प्यार रखिएगा मेरे साथ में ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचे और आप इसे देखें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पता नहीं शायद मैं ना मोबाइल का जो रहता है ना, मोबाइल मैंने लगाया ना तो उसका कैमरा नीचे हो गया था, मेरा अभी ध्यान नहीं है वो देखने में, इसलिए वो थोड़ा पता नहीं अजीब सा कुछ लग रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही व्लॉग था, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिलीज़ का, टेक केयर।